विधायक सरफराज अहमद ने बेंगाबाद प्रखंड परिसर में भवन का किया शिलान्यास। गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड परिसर बेंगाबाद में प्रखंड अंचल कर्मचारी चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के आवासीय भवन का शिलान्यास गांडे विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान संबोधन में विधायक ने इस भवन की महत्ता एवं राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के विकास कार्यों तथा झारखंडियों के हित में लिए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया। 15 नवंबर से पुनः महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत में आयोजित की जाएगी, जिसमें लोग अपनी अंचल या प्रखंड से संबंधित समस्या को ऑन द स्पॉट निष्पादन करा सकेंगे, जिसमें पंचायत स्तर के पार्टी पदाधिकारी शिविर में अपने लोगों को मदद कर योजना का लाभ दिलाएंगे। अतिथि को बेस्ट होता है, मैं तो इस प्रखंड का प्रखंड सेवक को भेजा चलिए अतिथि है हमारे भाई के हमारे सांसद जिले के सांसद हमारे पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष है। बात उनसे होती रही, मैं बढ़ाते बढ़ाते फिर उनका क्या लेना चाहिए आगे बाबू हमारे गठबंधन दल के नेता और हमारे उप प्रमुख महोदय और हमारे सारे जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया का प्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि हमारे सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधि हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और हमारे सम्मानित जो लोग हमारे बैठे हैं इस सभा में और मैं ये बात जो मुखिया भी हैं और संबोधक भी हैं इस काम की मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। दिनेश साहब ने ठीक कहा, गुणवत्ता होनी चाहिए, इसका ध्यान सीधे हम रखेंगे। ये जो शिलान्यास हुआ एग्रीमेंट हुआ है 5,18,02,000 क्या मैं ठीक हूँ और इसमें ना केवल वीडियो और सीओ का पात्र बनेगा बल्कि जो कर्मचारी उनका भी पात्र तो इसका हिस्ट्री सुनिए। ये अचानक जब मैं चुना गया था 19-20 में तो सबसे पहले वो गांधे का तो ब्लॉक ऑफिस बनकर तैयार था, उसके पहले ये प्रॉब्लम था तो वो तो हमने आलमगीर साहब को पकड़ के हमने कहा रहेंगे कहाँ सी तो वो शिलान्यास भी हुआ वो बनकर तैयार भी हुआ। तो अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी का आलमगीर साहब फिर में गए, बोलो आपको चाहिए हमका चाहिए क्या, आपने गांधे में हमको दे दिया गंगाबाद का भी ब्लॉक हेडक्वार्टर तो बन गया है ऑफिस बन गया लेकिन हमारे वीडियो सीओ कर्मचारी रहेंगे कहाँ, तो बोला जमीन हमका जमीन बिल्कुल है। आपने देखा प्रोसेस करते करते आज हमारे प्रति मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल के लोग हैं उन लोगों ने इस काम को किया और इसका शिलान्यास हुआ। अब मैं नहीं जानता हूँ बीजा बताइए कितने महीने में बन जाएगा, ये 12 महीना एक साल एक साल में बन जाएगा, माने ये है अगले साल उद्घाटन भी आप ही करेंगे, हम ही करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो अब पुल पुलिया कितने बन रहे हैं, रोड कितने बन रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि समय तक अपने ही लोग रहे नजदीक के लोग, क्योंकि उनको खुश तो रहेगा कि फिर अपने घर का काम करो अच्छे से किया जाए। क्या है कि सामने बैठे जो दो दो रोड हमारा बनाया है जानते हैं बड़ी झंझट हुआ इनको उस लोग फिर भी चलो अच्छा है काम पूरा कोशिश मैं करता हूँ। बाहर काफी जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों की योजनाएँ होती हैं उसमें कार्य नहीं सक पाते भारत लोग आए जाते हैं और उसका भी काम
हो रहा है वो आप लोग भी देख रहे हैं, और उसको गहना टोल टाइप के नाम तो आप ही करते हैं, जनता भी करती है, मुख्यमंत्री भी कर देते हैं, कोई बात अच्छी बात है करना चाहिए, पर जिम्मा रहे कि काम अच्छे से हो, क्योंकि बनाने वाले तो बना के चले जाएंगे, चलना फिरना रहना तो हम ही लोगों को है, इसलिए वो सब भी चल रहा है। कोशिश हो रही है इस सरकार के द्वारा, खास करके आप याद कीजिए कि 19 दिसंबर में सरकार ने और 2 साल कोरोना काल में हमारा समय बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर पाए, चाहते वैसे भी गए लोग इधर उधर से हमारे उनको लाना खिलाना पिलाना दवा करना फिर उनको घर बनाना खाने पीने की व्यवस्था, और तीसरे साल से उस कानून की शुरुआत हुई, रोड की बिजली की पूजा की अच्छे ढंग से था, लेकिन पता नहीं दिनेश बाबू के पार्टी जो है वो ऊपरे से नट बोल्ट टाइप शुरू कर देते हैं जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार उसको फिर खराब हो जाती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अपने लोग हैं काम करना वही कर दिएगा, बात तो ठीक है, तो वो तो आपको समय बताएगा, अब तो ईडी वाले भी पकड़ा गए दिनेश बाबू, अब ईडी कितना स्वच्छ है ये नहीं कह सकते, ईडी के लोग भी पकड़ा गए हैं, हाँ आप ही लोग छपा है ना, तो अपने कोल कितने साफ है वो सब नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, ये सौभाग्य की बात है कि ही इसमें चल रहा है, ये सब तो देखिए भी क्या है, तो इसमें 2 इलेक्शन आप समझ रहे हैं, पहला पार्लियामेंट फिर असेंबली, ये सब तो होता ही है, इधर गठबंधन उधर गठबंधन चलाना रहना, ये इसके इलाम ये जो पॉलिटिकल में चलता पॉलिटिक्स में ये चलता रहेगा, अब ये सब चलेगा तो इस पर 5 साल देश शांत हो जाएगा, क्या करेगा एकदम शांति हो जाएगी, फिर 5 साल बाद उस नया वेश रेखा चालू होगा, ये सिस्टम है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र फायदा है बताया जाता है, इसी में लोगों का काम भी कर रहा है, इसके लिए हम लोग प्रतिनिधि बन जाते हैं, चाहे मुखिया के रूप में हो, पंचायत समिति के रूप में हो, प्रमुख के रूप में हो, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय के रूप में हो, विधायक है एम पी है, हमें भूल गया था हमारे शिक्षा मंत्री से सांसद प्रतिनिधि बेंगाबाद के, मैंने आप नहीं आते बिल्कुल मैंने रखा था, इनको इनसे भी ज्ञान हमने पढ़वाया भाई, ये प्रखंड के प्रतिनिधि है शिक्षा मंत्री से रखना तो पड़ेगा, प्रजातंत्र सबको लेकर चलना है, बड़े सभी राज्य का प्रतिनिधि देश की शिक्षा मंत्री, बहुत अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, हमारी अध्यक्ष है जिला परिषद की, तो यहाँ 3 सीट है जिला परिषद का, देखा 3 जिला परिषद के कोई सदस्य है जिला परिषद के, तो 3 जिला परिषद के सदस्य आपके और मैं भी मेंबर हूँ उसका जिला परिषद का, मिले उनका मेरा एक ही निवेदन है आपसे अध्यक्ष महोदय, देखिए वो बिल्डिंग बन गई, ये बिल्डिंग बन गई है, उधर जी एस एटी का ऑफिस है, इसके पीछे हम लोग स्टेडियम बना रहे ठीक इसके पीछे, और ये आने जाने वाला रास्ता है ये बड़ा दुखी पर है, जिस पर आप भी आए हैं हम भी आते हैं और वीडियो से आप कर लोगा, तो कृपया करके ये छोटा सा हमारा 1-8 किलोमीटर में नहीं होगा, जिला परिषद से आप अगर आपका आशीर्वाद हो जाए, ये मेरी मांग है आपसे, इसको विचार किया जाए, क्या क्योंकि जो ब्लॉक ऑफिस होता है ये चेहरा होता है पूरे ब्लॉक का, तो बिल्डिंग बिल्डिंग तो चमचमा रही है और रहने का भी ठीक हो रहा है, तो जो घुसता है जगह का अंदर विशाल कैसे पैसा गिरने लगता है, टूटा हुआ रोड, बस खाली रोड को आप कोशिश करके, और हमको जिला परिषद से कुछ नहीं चाहिए इस अगर हाँ नहीं तो आप थोड़ा सा आप हम लोग लिख के दे देंगे आपको, यहाँ के 3 जिला परिषद मेंबर हमें 4 आदमी में लिख के अनुसार, इसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे जिला परिषद से, इतना ही मेरा काम कर दीजिए इस प्रखंड।